फिल्टर हट गया क्या? नहीं हाँ. लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है. हाय गाइस, हाय साक्षी, हाय श्वेता, हाय एवरीवन. मेरे को मेरी लाइफ का नोटिफिकेशन आ रहा है, बैड गूगल वेंट लाइफ. वो तूने अपने दूसरे अकाउंट से देखा? ओ अनकट कृतिका का अकाउंट. गाइस वी ऑल आर फेक अकाउंट्स. सबके होते हैं वो, सबके होते हैं. हाय हाय एवरीवन, हाय मोना, हाय शुगर. हाउ इज एवरीवन? मैं काफी टाइम बाद लाइव आई हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया. पापा पाओगे? पापा का, ओ पापा ने जोक ऑफ द डे. पापा साइड में बैठ के लाइव देख रहे हो मेरा? yeah. इधर आओ फिर, आओ ना पापा, आओ ना. मैं बुला रही हूँ, रिस्पेक्ट से बुला रही हूँ. पापा शुगर को पकड़ लो. गाइस पापा को बुलाओ. मोना मैम आप कैसे हैं? यू सिस्टर्स आर द स्वीटेस्ट. थैंक यू श्री. गाइस क्या कर रहे हैं सब अभी? एग्जैक्टली अभी इसी टाइम सब क्या कर रहे हैं? लाइव देखने से पहले क्या कर रहे थे? सॉरी जल्दी कमेंट करो. यू गाइस तुझे तो वही पढ़ना होता है वैसे भी. इसको कंट्रोवर्सी इतनी पसंद है ना. आई जस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स एंड हैड अ फ्रैक्चर. आई एम सॉरी पाला, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फन फैक्ट, तेरे साथ तेरा फ्रैक्चर हुआ ना? मेरा कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ. मैं तो पागल है क्या? मैं तो पापा देखना बोलती कैसे है. ओहो मैं वैसे ही बोल रही हूँ. अंकल जी आओ, पापा बुला रहे हैं. अब तो आ जाओ, सब बुला रहे हैं. पापा कौन जा? शट अप. पापा कौन का घर के? यस यस घर के. ओ यो हो, यो हो नहीं इधर हो. पापा ने ना एक्चुअली हेयर कट करा लिया जो कि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका. पापा आपका कैसा चल रहा है? नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा है. आपने क्या करा आज? वेले बैठे हैं. आप जोक ऑफ द डे सुनाओ ना. जोक सुना रहे थे. जोक ऑफ द डे? यस. तब तक थोड़ी देर बात करो, मैं सोचता हूँ. अच्छा झूठ बोलते हो आप, व्हाट्सएप से देख के बताते हो. नमस्ते अंकल जी. नमस्ते पापा. आप साइड पे तो जा रहे हो, पाव ने क्या हो गया आपको? हेयर कट इतना पसंद तो था आपका. नहीं अच्छा ही लग रहा है बच्चों को. सबको गाइस सब डैड का हेयर कट इधर आना. पापा थोड़ी सी ऐसे और टिल्ट करो ऐसे. हाँ सबको हेयर कट कैसे लग रहा है? हम तीनों की शक्ल नहीं मिलती ना, है ना? नहीं नहीं मिलती ना. मेरी मिलती पापा. हाँ मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तेरी शक्ल मम्मी से भी बहुत लोग बोलते. तो मैं तो बाहर से लिया था. वैसे ना एक बात बताऊँ, लॉकडाउन में ना मेरे को ये पता चल गया मैं सबसे जिम्मेदार इंसान मैं ही हूँ इस घर में. क्यों? क्योंकि कोई भी काम बिगड़ता है ना वो जिम्मेदारी मेरी ही होती है. उसका ना मतलब क्या होता है जब अगर मेरा कुछ मैसअप हो जाता है, पापा क्या आपने ये क्यों नहीं करा है, मम्मा का कुछ होता है आपने ये क्यों नहीं करा, फिर दीक्षा का होता है तो सबका पापा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, पापा वाईफाई वाले को कॉल करो. आई थिंक सबके घर पे ही होता है. आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा हूँ छोटी वाली का अंकल जी, ये सब नहीं होगा यहाँ छोटी वाली का? अच्छा मेरा मांग रहे हो? नहीं हाँ ये नहीं होगा. यूट्यूब वीडियो पे जाके बोल रहे थे किसी को है तो मैं अब ये नहीं होगा. स्विच करना चाहते ही नहीं है मेरी शादी. पापा इज लाइक किट्टू की हो जाए दीक्षा नहीं जाएगी. नहीं नहीं बट कल परसों हम बात कर रहे थे तो पापा ने बोला हाँ किट्टू की कर देंगे थोड़े टाइम में, फिर तेरी कर देंगे 2-3 साल में. तो दीक्षा बोलती मैं 7 साल तक नहीं जाने वाली. पापा बोलते मेरे को लाइफ जीने का कोई हक नहीं है, हमने कोई अपनी जिंदगी नहीं जीनी. तो मैं पीछे वाले रूम का रेंट दे दूंगी ना पापा. नहीं नहीं हमें रेंट नहीं चाहिए. ठीक है तू बाहर चाहिए. ये चाहिए. I have so much, so much money. So much. पहली बार पापा ने बोला भगवान यूनिवर्स की लाइफ ले लो, कभी कभी मुंह से निकलती है. पहली बार बोला हूँ इन्होंने. क्योंकि हर टाइम अभी कुछ नहीं कुछ कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमेशा नहीं होता है. पापा अनकट कृतिका एपिसोड किसने देखा था? पापा वाला पता नहीं यार, आपने साथ ही नहीं दिया बच्चों ने, इतने कम व्यू आ रहे हैं. पापा यार इतने गंदा लाइफ में मेरी बेइज्जती कर रहे हो पापा. नहीं नहीं तेरी बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने उनकी बच्चों की बेइज्जती कर रहा हूं. कुछ नहीं है व्यू करें. वो वाला अनकट कृतिका वाला एपिसोड लिमिटेड लोग ही देखते हैं गाइस. अगर नहीं बढ़िया है जो भी किया बच्चों ने, बहुत अच्छा किया. अच्छा ठीक है मैं पहले ही बता दूं, कोई कोई पूछे कि दीक्षा इतनी चुप क्यों गाइस. अगर मैं कुछ बोल नहीं रही तो उसका मतलब ये कि मैंने स्पेक्स और लेंसेज दोनों नहीं पहने तो मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है. मैं पास कर लूं तो दिख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही. पापा अभी थोड़ा ऐसे हो जाओ. अब दिख रहा है दीक्षा? देखो आंटी आई लव अनकट कृतिका. देखो आप ऐसे ही बोलते रहते हो पापा, सबने पसंद करा था.
थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गोवा। ओ गोवा, मुझे गोवा ले जाओ कोई। फन फैक्ट, हम राजस्थान जा रहे हैं, जो लोग लाइफ पे होपफुली अभी तक, अभी फाइनल है बट नेक्स्ट वीक हम राजस्थान। आपको पता है, हम राजस्थान बता दिया था मुझे, कल बता दिया था, दो दिन के लिए जा रहे हैं और हम ऑब्वियसली सारे प्रिकॉशन लेंगे। और अपनी फैन हूँ। ओह थैंक यू, यू बोथ रिजेंबल योर मॉम एंड योर ब्रदर, रिजेंबल अंकल। ओ ओ मेरे को समझ नहीं आया यार, ये वो क्यों है? हम दोनों की शक्ल मम्मा से मिलती है और आंशवा की शक्ल आपसे मिलती है। अच्छा, ओ मैं भी बोलता हूँ। पापा जी की क्या लिखा था, योर पॉडकास्ट आर जस्ट स्ट्रेस बस्टर। देख लो, सुन लो पापा, आपको ना बच्चों की वैल्यू ही नहीं है। नहीं नहीं, बच्चे पूरा साथ दे रहे हैं मेरा, उन्होंने ही तो देखा है जो इतने व्यू हैं तेरे। प्लीज कम टू जयपुर लाइव 02, हम जयपुर ही जा रहे हैं। ये कौन सा होटल है वो? फेयरमाउंट तो नहीं? नहीं नहीं, फेयरमाउंट नहीं है वो, कोई मेरे को नहीं याद आ रहा। दीक्षा, योर आई मेकअप लुक्स ऑसम। दीक्षा इज अ प्रो, बस मेरा मेकअप नहीं करती है। कम टू उदयपुर यार, उदयपुर इतना। ये दीक्षा नहीं गई, मैं गई हुई हूँ। और उदयपुर मेरे को ना पान चुकी तरह, उदयपुर इज सो सो प्रिटी गाइस, लव इट। अगर आपका फैशन सेंस बहुत बढ़िया। थैंक यू, ट्विन सिस्टर्स आर यू गाइस? हेलो ट्विन्स, हम ट्विन्स का रखते हैं। कम टू असम, हम असम गए थे और असम ही हमारी लास्ट ट्रिप थी ना इस साल की। कम टू जोधपुर, जोधपुर मैं गई हूँ, तू नहीं गई ना? मैं भी गई, मैं हम लोग साथ गए रणबंका पैलेस। याद है तेरे को? बहुत अच्छा था वो। बट अच्छा, बच्चों से पूछ तो थी मेरा हेयर कट कैसा। पापा का हेयर कट कैसा बता दो। I watch your uncut Kritika because of uncle only. I love you. Thank you, beta. Krits ने लिखा है। Please do a makeup tutorial. Love you girls, guys. You are amazing. Uncle is getting Vaibhav Jain ने Vaibhav Jain ने लिखा है। Uncle is getting your dad is amazing. Your podcast keeps me going. Oh, thank you, Pragati. बहुत अच्छा है अंकल। अंकल दिखाओ तो सही। कम टू गाइस, ये सिर्फ फन के लिए करते हैं, पता है ये। और नेक्स्ट टाइम जब पापा, एक बाइट मैं खाऊंगी अगर नेक्स्ट टाइम मैगी आई है। नेक्स्ट टाइम ना जब पापा गुस्सा करेंगे ना, मैं लाइव ऑन कर दूंगी आपका और ना वो वीडियो डाल दूंगी IGTV पे, सब देख पाएंगे। फिर सबको लगता है अंकल बहुत सही है। अच्छा मम्मा आपको बुला रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, किसी से मम्मा पापा डांटते नहीं क्या? क्या हो गया, मैं आदत पड़ गया पापा। इससे हम ग्राउंडेड रहते हैं, ज्यादा ही ग्राउंडेड कर देते हैं रोज। बहुत अच्छा है अंकल का हेयर कट। मैगी बनी है गाइस, देखो यम्मी। अच्छा थाली से ना याद आया, एक बार ना पूजा के मंडप में ना पंडित जी कहते हैं जाओ भाई, शादी का मंडप होता है, पूजा की थाली लेके आओ। एक आदमी जाता है, थाली उठा के ले आता है, पीछे पीछे ना एक लेडीज भागती हुई आती है, कहते साले रोटी तो खाने दे। अरे मतलब की पूजा की थाली, मतलब की पूजा कोई लेडीज का नाम होगा उसकी थाली उठा के ले आया। मैंने काटी है कटिंग। बाय बेटा, जा रहे हो? हाँ जी, मैंने काटी है कटिंग। पापा ने, पापा का हेयर कट मम्मा ने करा। अंकल ब्लॉगर बन जाओ। कटिंग कटिंग मैंने की है। अब हम टीम ऐसे करते हैं, ये वाला अंकल। अच्छा अब आज सबका वोट लेंगे। देखो मम्मा बीच में नहीं आ सकती, चलो ऐसे ही रखते हैं मम्मा, सिर्फ ऐसे। ठीक है मम्मा, ऐसे नहीं करना ऐसे। आप बताओ किसकी शक्ल मिलती है मम्मा से? योर पॉडकास्ट आर सो नाइस, थैंक यू अंकल, इज लुकिंग क्यूट इन दिस। अंकल इज लुकिंग क्यूटी। कंचन, आई लव हाउ अंकल हैज स्टार्टेड द जोक ऑफ द डे ऑन हिज ओन। लोगों को समझ आ गया जोक, हमें नहीं आया था बस। मेक अ वीडियो ऑन, आंटी बेस्ट है। दीक्षा, दीक्षा यार मेरी शक्ल नहीं मिलती मम्मा आपसे, बट बचपन में तो मुझे सब बोलते थे है ना, पापा बोल रहे मेरी मिलती है। बट हाँ मैंने मेरी मिलती है ना, मेरी मिलती है मम्मा आप ही से तो रहे हैं। अच्छा आज हम दोनों हंसे ना, मेरे को लगा हम दोनों सेम लगे। इडियट, लोग ना अनफॉलो कर देंगे अपनी असलियत मत दिखाया। आंटी जो क्या लिखा, आंटी सो क्यूट, ऊपर गया किट्टू बेटू।
दीक्षा की, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम श्रीलंका. दीक्षा कितनी क्यूट है, भावना ने लिखा. हाय भावना, हाय भावना जी. दीक्षा की ज्यादा मिलती है किट्टू की. कृतिका, यू रिजेंबल टू योर मॉम. यार ये पता क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है जो जिस कृतिका दीदी की मिलती है शक्ल मॉम से, देखा जिस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो ना, मुझे लगता है वो. अच्छा सब अपनी टांग दिखा देती थी, अपनी टांग दिखाइयो. मैं नहीं दिखाऊंगी अम्मा, ऐसे करना करना दिया तू. मेरी टांग बहुत छोटी है, इस टाइम पर खोल यही पे रुक गई इसकी टांग. आंटी एंड कृतिका लुक्स अलाइक. कृतिका की मिलती है आंटी, यू आर सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. जब तुम मेरे साथ होते हो तो कैसे होते हो पापा? नजर ना लग जाए. यू थ्री आर सो गॉर्जियस. थैंक यू गाइस, थैंक यू. हेलो, मेरे को कुछ नहीं दिखा. ऐसे दिख मेरे को. ओके हम जा रहे गाइस, बाय. ओ माय गॉड, नजर ना लगे. आंटी की शक्ल कृतिका से ज्यादा मिलती है, भावना ने लिखा है. योर पॉडकास्ट इज मी लाइफ. थैंक यू Guys, we'll see you tomorrow or day after. We'll come on live regularly. ये तो इसको तो मैं जबरदस्ती लाऊंगी क्योंकि 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 मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बट तू आएगी क्योंकि मेरे पे हक जो आती है बहुत. या ऐसे ऐसे ट्रीट करती है मेरे को. ये ट्रीट करती है. एक्सक्यूज मी, ये गलत है. ऐसा मीटअप इन जयपुर, हम शायद बहुत हम जयपुर गाइस हम ना मीटअप रख नहीं सकते फॉर सेफ्टी इश्यूज. या हमारी भी सेफ्टी, आपकी भी सेफ्टी, हम लोग सबकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए. बाय बाय गाइस. जा भी रहे हम, रुकना है. कुछ बोलना चाहती है दो शब्द जाने से पहले, मतलब जा रहे हम. हाँ जा रहे हैं गाइस. मेरा मेकअप देखो कैसा लगा, ये मैंने आज देखे दिख रहा है. ऐसी एक्सप्लेन कर अगर मेकअप सबको समझ आ, मतलब पिंक ब्लू ब्लू पिंक. Meetup in South X. Meetup in South X. Nice. अरे यार मैं नहीं आने दूंगी इसको South X. मुझे South X बिल्कुल पसंद. मजाक कर रहे गाइस. बट पता मैंने कल ये क्या करा, मैंने मैंने कल सच्ची में रियलाइज करा कि जो लोग बोलते हैं ना ऐसे कि साउथ दिल्ली लोग ऐसे बोलते हैं, नो आई लाइक डिमसम्स मोर. मैंने कल सच्ची में एक बंदे को ऐसे बोलते हुए देखा. हमने पूछा कि आपको मोमोज पसंद है, कहते आई डोंट लाइक मोमोज, आई लाइक डिमसम्स मोर. आई एम लाइक टिपिकल साउथ दिल्ली पागल है ये. यूनिकॉर्न मेकअप, नो इट्स नॉट अ यूनिकॉर्न मेकअप, बट व्हाट कलर्स वो है ना शायद इसलिए लग रहा होगा. Where do you guys put up? PUBG ban का कितना कम, PUBG कहाँ बैन हुआ है, दोबारा तो बैन हुआ. दीक्षा दी योर मेकअप. थैंक्स. मीटअप इन पंजाब प्लीज, वेरी प्रिटी. थैंक यू. मुझे जाना यार अब. पंजाब नहीं गई मैं, बता कब से नहीं गई पंजाब यार. बहुत साल हो गए पंजाब गए. मेरे को चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ बचपन में गई थी, मेरे को याद भी नहीं है चंडीगढ़ कैसा दिखता है. मुझे चंडीगढ़ मैं चंडीगढ़ गई थी 2020 में, तो गई थी 2019 में. बट मैंने सुना चंडीगढ़ बहुत सुंदर है. हाँ चंडीगढ़ है ना, बहुत पापा भी बोल रहे हैं दिल्ली जैसा ही लगता है मुझे तो, ऐसा कोई डिफरेंट. इंडिया की पहली या दूसरी सिटी है जो वेल प्लान बनी है चंडीगढ़. मेरे को सेम लगा, मैं शायद ज्यादा घूमी नहीं होंगी चंडीगढ़, इसलिए. चंडीगढ़ का कोई एक सेक्टर है ना जिसको बहुत सुंदर बोलते हैं, 17 सेक्टर देगा मुझे सब पता है. 17 सेक्टर जाएंगे हम जैसे ही लैंड होंगे चंडीगढ़ में, 17 सेक्टर जाएंगे. ठीक है और कुछ नहीं. कम टू अहमदाबाद प्लीज. अहमदाबाद में ज्वेलरी मिलती है. आई लव फ्रॉम लंदन, आई सो वांट टू गो टू लंदन. और दीक्षा को सेकंड टाइम में लंदन पसंद आया था, फर्स्ट टाइम में वो थी लंदन. गाइस हम जितनी बार भी गए ना हम काम से गए, स्नैपचैट जितनी बार भी गए हम काम से गए तो इतना ना हम घूम नहीं पाए. मैंने अभी तक टावर ब्रिज भी नहीं देखा, विच इज रियली बैड. मैं अभी तक पार्टी नहीं गई लंदन में, विच इज वेरी वेरी बैड एंड वेरी सैड. पार्टी वाला सीन तो खत्म. टाइगर मैंने सुना टाइगर टाइगर बहुत अच्छा है, टॉय रूम है वहां पर आई थिंक सो. दीक्षा दी कम टू रांची झारखंड. डन 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 करती रहे. आप मेरे को बस टिकट भेज दो, मैं आ जाऊंगी. 70 सेक्टर इज फेमस फॉर शॉपिंग, मलाइका खुराना ने लिखा. यार कुछ दिन गुजारो गुजरात, मुझे गुजरात जाना. देख चंडीगढ़ दिल्ली से बहुत प्रिटी है, चलते हैं ना चंडीगढ़ तो जा ही सकते हैं हम. निश्चित जेपेग ने लिखा है. दीक्षा दी और नेकलेस फ्रॉम शीन. यस गाइस इट्स फ्रॉम शीन. कम जयपुर. अगर मुझे कोई बोले ना इंडिया में से कोई दो तीन जगह जो आपको बेस्ट लगती है, आई थिंक राजस्थान एंड गोवा. मुझे कभी भी ले जाओ, आई लव राजस्थान एंड गोवा. एंड राजस्थान ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर ये उदयपुर, सब जयपुर उदयपुर जैसलमेर जोधपुर. मैं जैसलमेर नहीं गई, मुझे जाना है. बहुत बार जा चुके और तब भी हमने पता गोवा पूरा एक्सप्लोर नहीं करा. गोवा के बहुत ऐसे पार्ट्स है, ऐसे कैफेज है जहाँ पे हम गए नहीं है. काफी तो
करा है यार, बहुत कितना। मैं इस बार गई थी, मैं इस बार सारे नए के नए के ऑफिस में गई थी, मुझे था कि अच्छा ये भी है यहाँ पर। नेशन वांट्स टू सी एसी। एसी को पसंद नहीं है सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया विच इज अ गुड थिंग। सो या पसंद से उसको अपना इंस्टा हैंडल वगैरह कृतिकाज लिप्स। इसके बड़े गाइस पता है, पहले ना इसके ना लिप ना देखो ऐसे है, अंदर से ऐसे अटैच से है कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसका इसका पूरा ऐसे लिप शेप आता है, तो छोटे होते हैं। या मैं ऊपर से बताती हूँ, ये चीज मेरी अटैच्ड है गम से, ये अंदर हाँ। जो यहाँ पर होता है सबके होता है, नहीं मेरा तो नहीं है गम से अटैच। हम क्या बातें कर रहे हैं, मतलब देख तेरा ना ऐसे कर आती है पूरी शेप, तो ये छोटे होते ना इसको लगता था कितने गंदे लगते हैं, मुझे नहीं लगता था। मैं सब रिलेटिव्स वगैरह बोलती थी कि ओ ये ठीक करा दो, इसका ऑपरेशन करा दो, मुझे बोलती थी मार्क कर दी, मुझे बोलती थी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद पता क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा अपना ही मजाक उड़ा रही है, तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने क्या जीता था, मिस वर्ल्ड जीती थी ना वो, तो वो आई थी, फिर सब बोलते ओ इसके लिप्स तेरी तरह, मतलब उसका उसके भी गम्स दिखते हैं व्हेन शी स्माइल्स, सो सब बोलते वो उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गई चीज गम्स ऐसे होना। बट मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था मत करवा दीदी मत करवा, क्योंकि सबको लगता था ये प्रॉब्लम है इसके लिप्स में, प्रॉब्लम हेलो क्वेश्चंस लेना कोई कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हैं, देखते हैं रुक। आउट ये लेना तुझे, आउट ये मैंने व्हेन आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस टू हाउ इज शुगु व्हेन एवरीथिंग इज ऑपोजिट देन हाउ केटा, तेरी स्किन सच्ची में ग्लो करने लग गई, अब तो बताना चाहेगी कि तू क्या कर रही है ऐसा। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बस मैं मेकअप टाइम पे रिमूव कर देती हूँ, एंड आई थिंक मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काफी डिपेंड कर वो करती हूँ, बिकॉज ऑफ सन मास्क, बिकॉज ऑफ सन प्रमोशन सिस्टर। बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा, ये मास्क वगैरह बना देती है और रख देती है, तो मैं इतना रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ, बट मैं क्लेंस करती हूँ, डबल क्लेंस करती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप रोज करती हूँ। बट ऐसा तो कोई सिरम विरम यूज कर रही है रेकमेंड करना, जिसके लिए तो डबल क्लेंस करना चाहिए इफ यू डू मेकअप ऑन अ डेली बेसिस। एक क्रीम से साफ करो, उसके बाद फेस वॉश करो, एंड मैंने स्क्रब स्टार्ट कर दिया वीकली, मैं वो करती हूँ, और मैं सिरम ऑयल यूज करती हूँ। आई थिंक जब से मैंने ऑयल यूज करना स्टार्ट करा ना, मेकअप से पहले, और मैं सोने से पहले भी कभी कभी जाती हूँ लगा जाती हूँ, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं, बट जब मेरे को याद रहता है। ये वाला ऑयल बोल रही थी बहुत एक्सपेंसिव है ना, तूने बताया था ना किसका, ये फ्रेश का ये हाँ। जरूरी नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑयल, ये मैं एयरपोर्ट से लाई थी, लंदन से आए थे, इंडिया में पता नहीं मिलता आई थिंक फ्रेश के प्रोडक्ट्स। इंडल्जियो का भी अच्छा है, इंडल्जियो का बहुत अच्छा है, इंडल्जियो का ऑयल बहुत अच्छा, आई यूज दैट, एंड आई थिंक मुझे 3 साल हो गए हैं इंडल्जियो का ऑयल यूज करते हुए। और ग्रीन टी सीड सीरम इनिस्फ्री का अमेजिंग, एंड मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट आई थिंक ये आपको ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ऐसे इफेक्ट नहीं होता कि ओ वाओ मतलब एकदम से मिरेकल हो गया कुछ हो गया। हाँ, और कोई भी चीज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ऐसे एकदम से नहीं ठीक होगा। अब मैं क्वेश्चन कैसे हटाऊं, दीज डेज आई एम वॉचिंग योर व्लॉग्स ऑल डे, आई कैन नॉट ट्रैवल एंड यू मेकिंग मी सो हैप्पी दीज डेज, थैंक यू कियारा, आई एम सो ग्लैड। ओ ये तू आंसर कर दी, मेरे साथ बैठी है स्किन स्पेशलिस्ट दीक्षा को, मजाक कर रही हूँ। व्हाट इज द वन थिंग व्हिच यू थिंक इज बेस्ट फॉर द स्किन व्हिच वी कैन यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दिस इज बाय मोही। आई थिंक बेसन रेगुलर बेसिस पे, बेसन या फिर मलाई, मलाई इज रियली गुड। अगर ऑयली स्किन है तो मलाई इतनी अच्छा नहीं वो देता, बिकॉज मलाई ऑलरेडी ऑयली, वो मतलब ऑयली टेक्सचर दे देता है स्किन को। अब जैसे तेरी ड्राई है और मेरी टी जोन है, तो तू मेरी टी जोन है, मेरा भी ये पूरा ऑयली है। बट तेरा ज्यादातर तो ड्राई है, अच्छा मिक्सड हो गई ना तेरी, मेरी ज्यादातर ऑयली है। हाँ मेरा भी टी जोन ज्यादा ऑयली रहता है, बट तू सजेस्ट कर फिर ऑयली के लिए फिर ड्राई के लिए। यार आई फील लाइक कि ये रोज वाटर विद मुल्तानी मिट्टी भी नहीं डेली बेसिस पे, नहीं ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं, बट हल्दी कह रही हूँ, बेसन आप हर दिन लगा सकते हो, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड इट्स रियली रियली गुड। बेसन, हल्दी, लेमन तो इतना हर दिन मत लगाओ, बट मुल्तानी मिट्टी अल्टरनेटिव बेस पे, मुल्तानी मिट्टी भी हर दिन नहीं लगानी चाहिए, बट बेसन बेस्ट है, हर चीज के लिए बेसन है। अच्छा पानी में मिला के खाया कर फिर रोज पिया कर, खाने में अच्छा नहीं लगता बट मुंह पे लगाने में अच्छा लगता है। देख आज मेरा मेकअप ना ऐसा सा हुआ है, यहाँ से मतलब कॉन्टूर पूरा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से हाईलाइट है ना। हाँ तो मेरा नहीं कभी करती हूँ, मैं नहीं, घंटे लग गए आज मेकअप करने में। आई लव यू बोथ, थैंक यू, लव यू टू लीना।
चंदन एंड रोज वाटर, मैंने चंदन नहीं ट्राई करा। चंदन हमारे पास है बट वो ना वो ऐसे पीसने वाला है तो उसमें घंटे लग जाएंगे, हमें पीसते पीसते जितना हमारे मुंह का निकलेगा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। प्लीज डू अ वेट लॉस वीडियो ऑन यूट्यूब, आई विल डू दैट। बट मैं ना जान मुझके वेट लॉस पे ऐसा बात नहीं करना चाहती, बिकॉज लोग जिसको जिस वे में लेके जाना होता है ना वो वे में लेके चला जाता है। आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट बीइंग हेल्दी एंड जो भी अलग सी क्या करेंगे, बट आई विल डू समथिंग फॉर श्योर। बट किसी ने अभी कमेंट करा कि आप यहाँ पर आके स्नैपचैट फैम को भूल जाते हो। कहाँ है स्नैपचैट फैम? करा था अभी मैं वो आप स्नैपचैट फैम को इधर आकर भूल जाते हो। रूही नहीं टेलस ब्रो व्हाट्स एसी का फुल नेम? नहीं बता रही मैं, जब वेडिंग कार्ड्स छपेंगे ना तब एसी का फुल नेम आ जाए। नहीं नहीं, थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी बकवास बंद कर दूंगी। विच मस्कारा और लैशेस तेरे से पूछा किसी ने? द फूडी लैशेज हुडा ब्यूटी की है एंड मस्कारा मैंने कौन सा यार वो पिंक वाला। इसके बाद हर्षित ने क्वेश्चन भेजा, एनी सजेशंस ऑन डेटिंग, ये करते आंसर तू बोल हर्षित तुझे मैं बताती हूँ। सो गाइस लैशेस आर फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड इससे पहले मैंने मस्कारा लगा अर्चिता तुझे मैं बताती हूँ, अर्चिता ने भी लिखा एसी एसी एसी। स्टोरी डाली थी ना गाइस, मैं पूरा टाइम, मैं पहली बार इसकी स्टोरी देखी होगी ऐसे स्नैपचैट पे जाकर, मैं कभी नहीं देखती, मैं बोर हो रही थी, मेरे को तूने एक स्टोरी में डाला था ना तो मैं अपनी स्पेशली देखने आई थी, फिर इसने डाली है जो बोल रही थी ना कि हम रेली आप पूरा टाइम मेरा आता है सोरम को कितनी बार टच उड़ करेगी भगवान ना समय लगे टच उड़। और ये आधे से ज्यादा लोगों को बट पता भी नहीं होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बट स्नैपचैट मैम को स्नैपचैट मैम को पता होगा। बट या अच्छा गाइस सजेशंस प्लीज, मैं ये करवाना चाहती हूँ हेयर कलर चूज दिस वन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये बहुत ट्रेंडी है आगे के स्ट्रैंड्स डिफरेंट लाइटर शेड के कराना। शुड आई गो फॉर इट और शुड आई नॉट? ये प्रॉपर ऐसा सा होगा। बताओ बताओ, कल जा रही हूँ मैं करवाने। चलो कल दीक्षा के ब्लॉग चैनल पे एक वीडियो बनेगी अबाउट। ओ हमारे आई कलर इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है? सेम तो है, तेरे पे फिल्टर लगा हुआ है, ब्लैक ही तो है, ब्लैक है हमारा, ब्राउन है। अच्छा तेरे तो नहीं बोला। ओके अब मैं जा रही हूँ पक्का। या वी विल टॉक टू यू गाइस टुमारो और डे आफ्टर एंड दीक्षा के ब्लॉग चैनल पे जाइए सब, इट्स जस्ट दीक्षा खुराना, कलर करवाने जाएगी और सब कुछ ऑब्वियसली। और कल गाइस मैं नेवर हैव आई एवर डालने वाली हूँ। ओहो बहुत कंट्रोवर्शियल था, थैंक गॉड इसने उसमें से कुछ कुछ निकाल दिया। मैंने बोला दीक्षा नहीं, क्या हो गया दीदी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छे में लग रहा था यार, क्या हो गया? और उस दिन लाइव पे बैठी थी ड्रंक, आई वाज ड्रंक, मैंने इसको कॉल, मैं इसको बोलूं चुप हो जा, उसके बाद इसने नहीं सुना, मैंने कॉल कर दिया, मुझे कॉल करके बोलती है देख बेटा, मतलब बहुत प्यार से बोला देख बेटा तू अभी ड्रंक है, तुझे अभी रियलाइज नहीं होगा बट कल तू रिग्रेट करेगी जो तू बोल रही है, तो चुपचाप से लाइव बंद कर दो और अपना एंजॉय करने जाओ। एंड मैंने उसको लाइव पे बोला शिट दीदी का कॉल, मेरे को बुरा बना दिया पागल। बट वी आर गोइंग गाइस, बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सिस्टर, लव यू, बाय बाय।